Good morning, students. Now, today we are going to start our new chapter of English textbook of class 3rd. The name of your second chapter is The Stone Soup. तो आइए हम इस चैप्टर को समझते हैं कि ये चैप्टर में क्या है और ये चैप्टर अपन को क्या बोलने जा रहा है. Now, first of all, टाइटल देखिए. चैप्टर टू अपना है द स्टोन सूप. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल. ये जो टाइटल दिया है द स्टोन सूप, आप इससे क्या समझते हो. द स्टोन, स्टोन मतलब क्या होता है, पत्थर. स्टोन मतलब क्या है, पत्थर. और सूप, सूप मतलब होता है एक लिक्विडिफाइड मैटर. दैट मींस एक ऐसा लिक्विड का मैटर जिसको आप पीते हो, लाइक जूस. जूस जैसा मैटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सूप बोलते हैं. जैसे आपने कभी किसी से सुना होगा हम टमाटर का सूप पी रहे हैं, तो कुछ लोग टमाटर का जूस निकाल के और उसको लिक्विड बना के पीते हैं. दैट मींस पानी जैसे फॉर्म में बोलते हैं जिसको हम जूस बोलते हैं, टमाटर का जूस. उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सूप बोलते हैं. तो ये जो चैप्टर है द स्टोन सूप, इसका मतलब अलग ही समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में सूप बनाया गया है. और किससे बनाया गया है, पत्थर से बनाया है. ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ वर्ड मीनिंग समझते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. ओपन पेज नंबर 15. पेज नंबर 15 ओपन कीजिए. एट द टॉप ऑफ द पेज अ कॉलम इज देयर. एक कॉलम दिया है जिसमें आपके कुछ डिफिकल्ट मीनिंग्स हैं. बी वर्डी, दैट मींस अब अपन उन वर्ड्स को समझते हैं जो वर्ड्स आपके टेक्स्ट बुक में यूज हुए हैं. फर्स्ट है स्टॉर्मी, अफेक्टेड बाय स्टॉर्म. स्टॉर्मी मतलब होता है तूफानी. अफेक्टेड बाय स्टॉर्म मतलब जो तूफान से ग्रहित हो. दैट मींस एक ऐसा कोई दिन या फिर रात जहां बहुत जोर से बारिश हो रही हो, बिजली चमचमा रही हो. आप जो कभी कभार बोलते हो भाई आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, उसी चीज को उन्होंने बोला स्टॉर्मी, अफेक्टेड बाय स्टॉर्म. सेकेंड है ट्रेवलर, Somebody who journeys to a specific place. Traveler मतलब होता है यात्री. कोई ऐसा person जो एक जगह से यात्रा करके दूसरी जगह पर जा रहा है, उसी person को हम बोलते हैं traveler. That means यात्री. Third है आपका cottage. Cottage मतलब a small house usually situated in the countryside. Cottage मतलब होता है एक छोटा सा घर जो आपके शहर के बाहर बसा हुआ होता है. That means आप हिंदी में समझ सकते हो कॉटे मतलब एक या तो झोपड़ी बोल सकते हो या फिर एक कुटिया बोल सकते हो, एक छोटा सा घर. पेन, पेन ये जो लिखने वाला पेन नहीं बोल रहा मैं, वो होता है PEN, ये है PAN. एक कुकिंग पॉट मतलब खाना पकाने वाला बर्तन, यूजुअली मेटल एंड विथ ए हैंडल, जो किससे बना होता है, मेटल से बना होता है और जिसमें क्या एक हैंडल लगा होता है, उसी को हम बोलते हैं पेन. जो आपके किचन में कुछ लोग यूज करते हैं भाई पेन, ये वही है. ग्रम्पली, इन अ बैड वे. ग्रम्पली मतलब होता है गलत तरीके से, बुरी तरीके से किसी बात का जवाब देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रम्पली. नेक्स्ट है पेपर, ए हॉट कंडीमेंट. पेपर मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपके अंदर जलन पैदा कर देती है, जोश पैदा कर देती है. जैसे आपने कभी कभी किसी से आप बात करते हो, आपने अगर उसका आंसर दिया और उसको उस बात का बुरा लग गया, तो आप लोग क्या बोलते हो, बस लग गई मिर्ची. दैट मींस उसको आपकी बात का बुरा लग गया है, उसी को हम बोलते हैं पेपर, दैट मींस मिर्ची. फ्लेवर, एन आइडेंटिफिएबल और डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ फूड और ड्रिंक. फ्लेवर मतलब होता है एक ऐसा आइडेंटिफाई जिसको आप जान सकते हो, समझ सकते हो, जो क्या हो, एक किसी फूड और ड्रिंक, किसी पार्टिकुलर खाने का और किसी चीज ड्रिंक का, पीने वाली चीज का एक स्वाद निर्धारित कर देता है, उसी को हम बोलते हैं फ्लेवर. एंड लास्ट आपका दिया हुआ है मेड फ्रॉम थिंग्स ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, रिच. दैट मींस अमीर, कोई एक ऐसी चीज जो बहुत अच्छी उससे बनी हुई है, उससे बोलते हैं रिच. ओके, दैट मींस इस कॉलम में आपके यही हार्ड वर्ड्स हैं. अपन ने हार्ड वर्ड्स को समझ लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन.
दैट मींस इंट्रोडक्शन में बोला गया है आपसे कि ये जो चैप्टर है आपको क्या बोलना चाह रहा है। कैन यू इमेजिन सकिंग इन द स्टोन सूप, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जो सूप है वो एक किसी पत्थर का भी बन सकता है। इज इट पॉसिबल फॉर समवन टू प्रिपेयर सूप विथ स्टोन, उन्होंने बोला है क्या ये पॉसिबल है कि पत्थर का भी जूस बन सकता है, किसी पत्थर से भी सूप बना सकते हो आप। तो आइए हम चैप्टर को समझते हैं। इट वॉज ए डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट, उन्होंने बोला है इट वॉज अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट, रात के समय की बात है, अंधेरे की बात है और रात कैसी है, तूफानी है। ए टायर्ड ट्रेवलर वॉज ऑन हिज वे, एक थका हुआ यात्री है जो अपने घर की तरफ जा रहा है और वो तूफान वाली रात में फंस गया। ही सो ए कॉटेज एंड ही नॉक्ड एट द डोर, उसने एक छोटी सी कुटिया देखी, झोंपड़ी देखी, एंड ही नॉक्ड द डोर, और उसने उस कुटिया के गेट बजाए। एन ओल्ड वुमेन ओपन्ड इट, अब उस कुटिया से बाहर कौन निकली, एक बुजुर्ग महिला ने वो दरवाजा खोला। वाट डू यू वॉन्ट, शी आस्क्ड, अब वह बुजुर्ग महिला बोलती है वाट डू यू वॉन्ट कि आप क्या चाहते हो। प्लीज गिव मी रूम फॉर द नाइट, सेड द ट्रेवलर, इट इज रेनिंग आउटसाइड, अब उस यात्री ने बोला प्लीज गिव मी द रूम, कृपया मुझे आप आज की रात के लिए एक रूम, एक कमरा दे सकते हो क्या। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। वेरी वेल, सेड द ओल्ड वुमेन लेटिंग हिम इन, बुजुर्ग महिला ने बोला अच्छी बात है अंदर आइए। यू कैन स्लीप हियर फॉर द नाइट बट प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनी डिनर फ्रॉम मी, देयर इज नो फूड इन द हाउस, अब बुजुर्ग महिला बोलती है अच्छी बात है आप अंदर आइए और आज के दिन आप यहां विश्राम कर लीजिए, आज रात आप यहां रुक जाइए, बट डोंट एक्सपेक्ट एनी फूड फ्रॉम मी, लेकिन कृपया करके कुछ खाने को मत मांगिए, कुछ खाने के लिए मत बोलिए, क्योंकि मेरे घर में खाने की कोई चीज नहीं है। द ट्रेवलर सेट डाउन बाय द फायर टू वार्म इटसेल्फ, ही फेल्ट हंग्री, अब वो यात्री अंदर गया और एक आग के सहारे बैठ गया अपने आप को गर्म करने के लिए। ही फेल्ट हंग्री, लेकिन वो यात्री कैसा था, भूखा था। ही टुक आउट अ स्टोन फ्रॉम हिज पॉकेट एंड सेड, अब उस यात्री ने बोला कि मैं, अब उस यात्री ने क्या किया, अपनी जेब से एक पत्थर का टुकड़ा निकाला और उस बुजुर्ग महिला से कहा दिस इज ए मैजिक स्टोन आई हैव हियर, मेरे पास एक जादुई पत्थर है, इट मेक्स द फाइनेस्ट सूप इन द वर्ल्ड, ये पत्थर क्या करेगा, बहुत बेहतरीन सूप बनाएगा, मतलब एक जूस बनाएगा, इस पत्थर से आप जूस बना सकते हो तो वो भी बहुत बेहतरीन, फाइनेस्ट सूप इन द वर्ल्ड, दैट मींस ये विश्व का सबसे अच्छा सूप बनेगा इस पत्थर से। इफ यू वांट आई कैन मेक अ सूप सम स्टोन सूप फॉर यू टुनाइट, उन्होंने बोला अगर आप कहो तो आज रात में आपको इस पत्थर का सूप बना सकता हूं। ए स्टोन सूप, सेड द ओल्ड वुमेन, देयर इज नो सच थिंग एज अ स्टोन सूप, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग ऑल माय लाइफ, उस बुजुर्ग महिला ने कहा ए स्टोन सूप, क्या पत्थर का सूप आप बना सकते हो, देयर इज नो सच थिंग एज ए स्टोन सूप, ऐसा तो पत्थर का सूप मैंने कहीं सुना भी नहीं है और ना ही मैंने कभी देखा। वेल, सेड द ट्रेवलर, उसने कहा यात्री ने अच्छी बात है, इफ यू कैन गिव मी अ पैन ऑफ वाटर आई विल मेक सम स्टोन सूप फॉर यू राइट अवे, अगर आप मुझे किसी बर्तन में पानी भरकर दोगे तो मैं इस पत्थर का सूप आपको अभी तुरंत बना दूंगा। द ओल्ड वुमेन ब्रॉट अ पैन ऑफ वाटर एंड पुट इट ऑन द फायर, उस बुजुर्ग महिला ने क्या किया, उस बर्तन में पानी लेके आ गए और पानी लेने के बाद उसने उस पानी को आग के ऊपर रख दिया, दैट मींस किसी गैस या फिर चूल्हे के ऊपर रख दिया। व्हेन द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग द ट्रेवलर ड्रॉप्ड द स्टोन इन इट, जब पानी उबलना स्टार्ट हुआ तो ट्रेवलर ने क्या किया, ही ड्रॉप्ड द स्टोन
इन इट, उसने उस पत्थर को उस बर्तन में डाल दिया। आफ्टर स्टिरिंग इट फॉर ए वाइल ही सेड, और उस उबलते हुए पानी में पत्थर को घुमाने के बाद, चलाने के बाद उस यात्री ने बोला, डू यू हैव सम सॉल्ट एंड पेपर इन द हाउस, क्या आपके घर में नमक या मिर्ची मिलेगी, क्या आपके घर में कुछ नमक या मिर्ची है। विदाउट इट द सूप विल नॉट टेस्ट गुड, बिना नमक मिर्ची के जो सूप है अच्छा स्वाद नहीं देगा। आई एम नॉट श्योर, सेड द ओल्ड वुमेन ग्रम्पली, आई विल हैव टू चेक माई कबर्ड टू सी इफ आई हैव एनी। उस बुजुर्ग महिला ने गुस्से में बदतमीजी से उसके आंसर का रिप्लाई दिया, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं कि मेरे घर में नमक और मिर्ची है या नहीं, आई विल चेक माई कबर्ड, मुझे अपने कबर्ड में देखना पड़ेगा कि नमक और मिर्ची अवेलेबल है या नहीं। शी ओपन्ड हर कबर्ड एंड गेव द ट्रेवलर सम सॉल्ट एंड पेपर, ही स्प्रिंकल्ड इट इन द सूप एंड स्टिर्ड इट। उस बुजुर्ग महिला ने अपना कबर्ड खोलकर नमक और मिर्ची किसको दे दिए, यात्री को दे दिए, एंड द ट्रेवलर स्प्रिंकल्ड इन इट, और उस यात्री ने क्या किया, वो नमक और मिर्ची को किसमें मिला दिया, उस सूप में मिला दिया, एंड स्टिर्ड इट, और सूप में मिलाने के बाद उसको कुछ टाइम तक वो घुमाता रहा। आफ्टर ए वाइल ही टेस्टेड इट एंड सेड इट इज क्वाइट गुड, कुछ देर बाद उस यात्री ने उस सूप को टेस्ट किया और बोला, इट इज गुड, हाँ बहुत अच्छा बना है। इट इज ए पिटी यू डोंट हैव एनी ओनियन, इट वुड हैव गिवन मोर फ्लेवर टू द स्टोन सूप। उन्होंने बोला, इस सूप तो बहुत अच्छा बना, लेकिन क्या आपके घर में ओनियन है, क्या आपके घर में प्याज है, अगर आप मुझे प्याज दोगे तो ये सूप का टेस्ट और बढ़ जाएगा। द ओल्ड वुमेन ब्रॉट सम ओनियंस फ्रॉम हर किचन, फिर उस बुजुर्ग महिला ने क्या किया, किचन से कुछ प्याज लेके आई और उस यात्री को दे दी। द ट्रेवलर क्विकली चॉप्ड द ओनियंस एंड एडेड देम टू द सूप, उस यात्री ने क्या किया, प्याज को कट किया, चॉप किया और तुरंत किसमें मिला दिया, उस सूप में मिला दिया। तो अब आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर स्टिरिंग इट फॉर अ वाइल द ट्रेवलर सेड द सूप स्मेल्स वेरी गुड, आई विश आई हैड ए पीस ऑफ मीट टू पुट इन दिस सूप, इट वुड मेक इट टेस्टियर। अब उसने उस प्याज को सूप में कुछ देर तक घुमाने के बाद और चलाने के बाद क्या बोला, द सूप स्मेल्स वेरी गुड, इस सूप की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आई विश आई हैड ए पीस ऑफ मीट टू पुट इन दिस सूप, मैं चाहता हूं कि आप अगर मुझे कुछ मीट के पीसेस या फिर मांस के टुकड़े अगर दे दो तो मैं सूप में मिला दूं, इट वुड मेक इट टेस्टियर, तो इस सूप का टेस्ट और बढ़ जाएगा। द ओल्ड वुमेन नॉट ओनली ब्रॉट सम मीट बट ऑल्सो टोमेटोज एंड पोटैटोज, तो बुजुर्ग महिला ना तो केवल मीट लेके आई, साथ ही साथ क्या लेके आ गई, टमाटर भी लेकर आ गई और कुछ आलू भी लेके आ गई। शी ब्रॉट सम मीट एज वेल एज टोमेटोज एंड पोटैटोज। एक्सीलेंट, सेड द ट्रेवलर एज ही पुट द मीट इन द सूप एंड चॉप द टोमेटोज एंड पोटैटोज। ट्रेवलर ने उस बुजुर्ग महिला से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, और उसने उस मीट के टुकड़े को सूप में डाल दिया और प्याज और टमाटर के छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर लिए, मतलब चॉप कर लिया। द मीट विल मेक द सूप रिच, उस मीट ने सूप को क्या कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, बहुत ज्यादा ही टेस्ट एड कर दिया उसमें। द टोमेटोज विल एडेड द टू द कलर, ही सेड हैपीली, उन्होंने कहा जो टमाटर है, इस टमाटर के ऐड करने से सूप में क्या आ गया, कलर आ गया। ही सेड हैपीली, और इसने ये बहुत खुश होकर कहा। वाइल द सूप वॉज जेंटली बॉइलिंग इन द पॉट द ट्रेवलर सेड, जैसे ही सूप उस पॉट पर गर्म हो रहा था तो उस यात्री ने कहा, इफ ओनली वी हैड सम ब्रेड टू ईट विद दिस सूप ऑलवेज टेस्ट बेटर विद द ब्रेड। उसने कहा, अगर हम इस सूप को ब्रेड के साथ खाएंगे तो ये हमको बहुत अच्छा रहेगा। वी शॉल नॉट ओनली हैव सम फ्रेशली बेक्ड ब्रेड बट ऑल्सो सम चीज, सेड द ओल्ड वुमेन पुटिंग ए लार्ज लोफ
ऑफ ब्रेड एंड बिग स्लाइस ऑफ चीज ऑन द टेबल। अब बुजुर्ग महिला ने कहा कि मेरे पास ब्रेड अकेली नहीं है, मेरे पास घर में क्या है, चीज भी है। तो वो बुजुर्ग महिला उसके सामने क्या लेके आ गई, बहुत सारी ब्रेड की पट्टी लेके आ गई, मतलब एक ब्रेड लेकर आ गई और कुछ क्या स्लाइस लेके आ गई, चीज की कुछ कली लेके आ गई। When the old woman was not looking, the traveler took out the stone from the soup and put it back in his pocket. जब बुजुर्ग महिला उस यात्री के तरफ नहीं देख रही थी, ध्यान नहीं दे रही थी, तो उस यात्री ने क्या किया, उसको बिना दिखाए जब जैसे ही उसकी नजर यात्री से हटी तो यात्री ने धीरे से उस पत्थर को सूप में से निकाल लिया और उस पत्थर को क्या कर लिया, अपने पॉकेट में फिर से रख लिया। Now the soup is ready to be eaten, he said, putting the pot of soup on the table. अब उस यात्री ने क्या बोला कि ये पत्थर पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। That means देखो वो यात्री कितना तेज है, उसने उस पत्थर को क्या किया, वो कोई जादुई पत्थर नहीं था, वो एक नॉर्मल पत्थर था जो केवल बुजुर्ग महिला को पागल बना रहा था। और उसने क्या किया, अब जैसे ही बुजुर्ग महिला का ध्यान उससे हटा यात्री की तरफ से, यात्री ने वो पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और क्या बोला कि पत्थर अब डिसॉल्व हो गया पूरा और ये सूप तैयार हो गया, अब इस सूप को टेबल पे रखो और अपन दोनों बैठकर इस सूप को ब्रेड के साथ खाएंगे। बोथ ऑफ देम हैड ए वंडरफुल मील, दोनों का बहुत अच्छा खाना हुआ। दे लव्ड टुगेदर, वो दोनों बहुत आपस में बात करते रहे और उन दोनों ने खूब हंसा उस सूप के ऊपर। टोल्ड मैनी स्टोरीज टू ईच अदर एंड वंडरफुल इवनिंग, और दोनों एक दूसरे से अपनी अलग अलग कहानियां सुनाते जा रहे हैं और सूप के साथ ब्रेड को खाते जा रहे हैं। दोनों की शाम बहुत अच्छे से गुजरी। दिस इज द बेस्ट सूप आई हैवर हैड, सेड द ओल्ड वुमेन हैपीली, और उस बुजुर्ग महिला ने खुशी खुशी उस यात्री से क्या कहा, ये तो बहुत अच्छा सूप पिया है मैंने, ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम इतना अच्छा सूप है। एंड टू थिंक इट वॉज ओनली मेड विथ स्टोन, और वो यही सोच रही थी कि ये सूप किससे बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है। ओके, आगे आपको ये चैप्टर समझ में, नेक्स्ट क्लासेस में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज मिल जाएंगे। यही आपका चैप्टर था, आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।